सुबह के 8:30 बज चुके हैं और देश के दूसरे छोटे शहरों की तरह गोंडल शहर भी अलसाया हुआ सा नजर आ रहा है। लेकिन देश के दूसरे छोटे शहरों से फर्क पैदा करती है 77 एकड़ में फैली गोंडल मंडी। पूरे सौराष्ट्र के किसान अपनी फसल की सही कीमत के लिए गोंडल मंडी में इकट्ठा हैं। हर किसान को पता है कि बेहतर से बेहतर कीमत मंडी की नीलामी में मिलेगी ही मिलेगी। अभी यहाँ मूंगफली की नीलामी हो रही है। गोंडल की इस मंडी में मूंगफली के अलावा कपास, धनिया, गेहूं और ऐसी तमाम कमोडिटी की इसी तरह नीलामी होती है। इस नीलामी से किसानों को कितना बेहतर भाव मिलता है, ये इन किसानों के चेहरे पर दिखने वाली संतुष्टि से साफ नजर आता है। दूसरी मंडियों के हिसाब से यहाँ इसकी व्यवस्था जो बढ़िया है, ऑक्शन मतलब जो बिकता है ऑक्शन में, उसमें भी पारदर्शिता है। ऑक्शन के बाद जो वजन होता है टोल, वो भी एकदम सही होता है, उसमें भी कभी गोलमाल या वो कुछ डर नहीं रहता। उत्पाद की बेहतर कीमत मिलने से बेड़ा, सेड़ा खाई, जामनगर, अमरेली, पोरबंदर, केशोर और ऊना तक के किसान यहाँ खींचे चले आते हैं। जाहिर है जब गुणवत्ता वाली इतनी किस्में एक साथ गोंडल मंडी में मिल रही हैं, तो खरीदारों मिल मालिकों के लिए इससे बेहतर जगह कहाँ होगी। अगर माल लेंगे तो अपने को एक दिन में जितना लेना है, समझो कि आज रेट थोड़ा डाउन है तो 5,000 बैग लेना है तो इधर से मिल जाएगा, और तो गांव में इतना काम एक दिन में नहीं हो सकता। यहाँ पर सप्लाई अच्छी है, वो सब मजदूर का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम, इधर की मंडी का जो मैनेजमेंट है बॉडी का, वो सब अच्छा है। गोंडल की इस मंडी की वजह से आसपास के गांवों के किसानों की जिंदगी में खुशहाली आई है। खासकर धनिये के कारोबारियों के लिए तो दोनों हाथों में लड्डू है। मंडी पहले से ही उनके लिए वरदान बनी हुई थी। पिछले साल कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX ने यहां डिलीवरी सेंटर खोल दिया है। अब हाल ये है कि चेन्नई, बंगलुरु के चक्कर लगाने से भी किसानों को मुक्ति मिल गई है, मुनाफा भी जबरदस्त बढ़ गया है। किसान बताते हैं कि अब हमें दूसरे राज्यों में बेचने नहीं जाना पड़ता, जिससे हमारा ट्रक भाड़ा भी बचता है। पहले हमें 20 किलो के बैग पर 1,000 रुपये मिलते थे, जो कि इस साल 2,000 रुपये तक पहुंच गया। गोंडल मंडी में पारंपरिक फसलों के खेती के आधुनिक उत्पाद में बदलने की अद्भुत कहानी भी दिखती है। बाजार, तकनीक, सुविधा और बढ़ते मुनाफे ने एक पूरी श्रृंखला तैयार कर दी है। उस श्रृंखला की बुनियाद होती है किसानों का मुनाफा, और इसी मुनाफे के इर्द गिर्द बस जाते हैं क्लीनिंग सेंटर, ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउस जैसे उद्योग। साल भर पहले 5 क्लीनिंग सेंटर वाले गोंडल के आसपास अब 50 से ज्यादा क्लीनिंग सेंटर मजे से चल रहे हैं। 10 से 12 लाख बोरी धनिये की आवक अब मंडी में 40 लाख बोरी तक पहुँच गई है। कारोबार में अभी तक हम कपास में चल रहे हैं, लेकिन धनिया का डिलीवरी सेंटर आने के बाद हमारा धनिया में भी कारोबार बढ़ा है। धनिया के आने के बाद हमारा पहले किराया था उससे दुगना हो गया। पहले मतलब 1500 था, तो अभी धनिया आने के बाद 2500 हो गया पर ट्रिप का, दुगनी कमाई हो गई। जयराम सिंह का जो अभी ये चालू साल थे, जो मतलब चालू साल में, उसमें अभी 8 से 10 लाख स्क्वायर फीट यहाँ पर गोंडल में अवेलेबल था। तो अभी NCDX में जब कोरिंडर डिलीवरी सेंटर आया, बाद में उसमें शॉर्टेज हुआ है, और अभी नया जो डेवलपिंग है, समझो 10 से 12 लाख और स्क्वायर फीट अगले सीजन तक बढ़ जाएगा, जनवरी दिसंबर तक। वेयरहाउसिंग में और रियल एस्टेट में भी समझो ना, वो कच्ची ज़मीन थी फार्मर के पास, उसमें भी बीघा 10 से 15 लाख के पास आसपास था, वो भी 15 से 20 लाख, 5 लाख रुपये उसमें भी प्लस हो गए, और जो मंदी का माहौल था वो प्लस हो गया है सब। गोंडल मंडी पारंपरिक भारत के इंडिया ड्रीम्स के मुकाबले की बेहतर कहानी है, जहां भारत और भारत का किसान
दूसरे आधुनिक उद्योगों से जरा सा भी पिछड़ता नहीं दिखता। अनाज मंडियां किसी भी शहर के सबसे बाहरी हिस्से में होती हैं, लेकिन सच पूछिए तो यही जगह वो बैरोमीटर होती है जहां से उस शहर की या कहें तो उस पूरे इलाके की खेती और किसानी के हालात का पता चलता है। और इस लिहाज से गोंडल की इस मंडी में पैर रखते ही आपको पता चल जाता है कि सौराष्ट्र अपने किसानों से कितना प्यार करता है, और ये भी कि गुजरात में खेती क्यों दशकों से दहाई आंकड़े से ज़्यादा की वृद्धि दर हासिल करती रही है। गोंडल से मंडी.com के लिए भुवन भास्कर।